अस्सलाम वालेकुम। लैंड प्रीमियम होटल्स मक्का, स्टार कैटेगरी का ये होटल, मुनासिब रेंज में ये होटल है। तकरीबन 100 रियाल में ये जो है ना पर रूम इसका मिल जाता है। ये सामने कुबरी, कुबरी मिसफला, सामने शारा अजिया। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको हरम तक लेके जाऊंगा, और पैदल वॉक में कितना टाइम लगता है तो वो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो भी हाजी भाई इस होटल के लिए आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उसके लिए ये वीडियो काफ़ी मुफीद होगी। आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको इसका सारा अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह पहले इस होटल के अंदर जाके आपको इसकी लॉबी दिखाता हूँ जी। तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह इसकी लॉबी दिखाता हूँ। तो फिर काफ़ी बड़ी लॉबी है इसकी। ये सामने आप इसकी रिसेप्शन देखिए, होटल बहुत खूबसूरत। ये सारे हाजी भाई बैठे हुए हैं। ये सामने आप इसकी लिफ्ट देखिए, तकरीबन 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, 10 लिफ्ट इसकी जो है ना वो यहाँ पर। वन स्टार कैटेगरी में ये एक काफ़ी मुनासिब होटल है। डिस्टेंस के हवाले से तकरीबन 1 किलोमीटर, 1000 मीटर या 1100 मीटर, 1200 मीटर तक इसको बोल सकते हैं। तो ये इसकी PR फ्लोर है। फ्लोर काफ़ी बड़ा है, इसमें यहाँ पर खाने की सहूलत मौजूद है। आप कहीं दूर ना जाएं तो यहाँ से आप खाना खा सकते हैं। लैंड प्रीमियम होटल मक्का, PR फ्लोर, खाने के लिए यहाँ पे तकरीबन सामान, सारा सामान मिलता है। ये मैं अभी आपको इसकी रेट लिस्ट दिखाता हूँ। ये आप इसके रेट लिस्ट देख सकते और रेस्टोरेंट फैसलाबाद। लैंड प्रीमियम होटल में PR फ्लोर पर ये जो है ये रेस्टोरेंट छोटा सा बना हुआ है। चाय खाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर सारी दस्तियाब। अस्सलाम वालेकुम। लैंड प्रीमियम होटल से मक्का, मैं अभी आपको उसका 5 बेड का रूम दिखा रहा हूँ। ये उसकी लॉबी, ये आप इसका वॉशरूम देखें। अभी दोस्त चेकआउट करके गए हैं तो कमरे की पोजीशन ऐसी है। बहरहाल आप
कमरे काफ़ी खुले डुले हैं। छह बेडरूम का ये रूम है, लेकिन खुले के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुला रूम है ये। कैपेसिटी जगह की इन्होंने काफ़ी बेहतर दी हुई है। तो ये इसकी छोटी सी किचन कैबिनेट, ये कैबिनेट है। वॉश उसकी लॉबी, तो ये लैंड प्रीमियम होटल मक्का की लॉबी है। होटल काफ़ी बड़ा है, इकॉनमी कैटेगरी में बहुत ही अच्छा और मुनासिब होटल है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात, इन्होंने पानी की सहूलत हर टाइम यहाँ पर मुयसर की होती है। तो आम होटल्स में टू स्टार थ्री स्टार में भी ये सहूलत नहीं होती, पानी आपको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पानी आपको जो है वो फ्री में मुयसर होता है। देखिए फिर बहुत ही कुशादा और खुला होटल लॉबी, इसकी लिफ्ट एरिया सब ही बहुत ज़्यादा जो है वो खुला है। ये इसका लिफ्ट एरिया, लिफ्ट एरिया देखिए, तो ये भी मैं एक रूम आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हाजी भाई ठहरे हुए हैं, लैंड प्रीमियम मक्का होटल्स। अस्सलाम वालेकुम। तो ये 7 बेड का ये रूम है, बहुत ही खुला और कुशादा रूम। 8 बेड इसमें लगे हुए हैं। अब ये रूम देखिए, रूटीन के रूम से मक्का के जैसे रूम होते हैं उनके हिसाब से ये काफ़ी खुला रूम है। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये बाकी लॉबी वगैरह ये रूम आप देखें, ये देखिए पानी की सहूलत। आपने ऊपर जाना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप ना इसी लिफ्ट से ऊपर चले जाइएगा। लिफ्ट एरिया, लिफ्ट, लैंड प्रीमियम होटल्स मक्का। जी, तो ये लैंड प्रीमियम होटल से मक्का की लॉबी, बहुत ही खूबसूरत लॉबी है। इकॉनमी होटल में ये काफ़ी मुनासिब होटल है, अच्छा होटल है। और तकरीबन यहाँ से जो हरम की वाक है ना, वो राउंड अबाउट 15 मिनट तो इजीली है ना, तो इससे ज़्यादा भी लगेंगे, 15 से 20 मिनट तकरीबन लगेंगे। होटल बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और मुनासिब होटल। ये इसकी आप सारी लॉबी देखें, सब हाजी बैठे हुए हैं, तकरीबन चेक आउट का टाइम है ज़्यादा हाजियों का। इकॉनमी होटल के हिसाब से लॉबी बहुत खूबसूरत
इसकी बनी हुई है, रिसेप्शन एरिया भी बहुत प्यारा बना हुआ। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको पैदल हरम तक लेके जाऊंगा और इसका जितना टाइम लगता है वो आपको प्रॉपर मालूम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। राउंड बोर रास्ते में जो भी होटल्स वगैरह होंगे मैं उनकी भी तफसील बताता जाऊंगा। लैंड प्रीमियम होटल्स मक्का, जी तो सिम कार्ड की सहूलत भी इस होटल में मौजूद है। आप ये देखिए कि आप अगर सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आते हैं तो इस होटल में सिम कार्ड की भी सहूलत मौजूद है। ये बिल्कुल एंट्रेंस के सामने लॉबी के आगे ये छोटा सा काउंटर सिम वगैरह के लिए।
Di botol PT itu pas terus.
एक तो वाला आ रहे हैं कि पाकिस्तान लूट लिया, तीन वाला लग रहा है लूट गए हैं हम तो, हमें तो लूट लिया पाकिस्तान ने। जान लग गया कि हाँ यार रस्ते में Thank you.
Ha ha.